नमस्कार दोस्तों, महेंद्र तिवारी फिर से हाजिर हूँ नई जानकारी लेकर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसरो ने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त की है, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। अभी अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है और ये जानकारी आप सुनेंगे तो आप पूरी तरह से खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे कि इसरो ने हाँ कर दिखाया, इसरो ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। दोस्तों अभी अभी जानकारी मिली है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा चुका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब गहरे समुद्र के राज भी उजागर करने की दिशा में काम कर रहा है। इंसान को पनडुब्बी नुमा वाहन के माध्यम से गहरे समुद्र में ले जाने की भारत की महत्वाकांक्षा को हकीकत में तब्दील करने के और करीब ले जाते हुए इसरो ने इसके चालक दल संबंधी मॉड्यूल का डिजाइन सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इस गोलाकार कैप्सूल के जरिए इसरो के वैज्ञानिक समुद्र की उस गहराई में जाकर शोध कर सकेंगे जहां अब तक जाना मुमकिन नहीं है। इसरो ने जिस पनडुब्बी नुमा कैप्सूल का डिजाइन किया है वो बेहद खास है, जिसमें बैठकर वैज्ञानिक उस गहराई तक जा सकते हैं जहां अब तक किसी भी इंसान ने जाकर शोध नहीं किया है। इस मानवयुक्त अंतरजलीय वाहन में चालक दल के 3 सदस्यों को समुद्र में भेजा जा सकता है। इस वाहन की मदद से विभिन्न अध्ययन के लिए समुद्र में करीब 6000 मीटर गहराई तक जाने का उद्देश्य है, जबकि पनडुब्बियां केवल 200 मीटर गहराई तक ही जा सकती हैं। यह पहल गहरे समुद्र मिशन का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन पर भी करेगा शोध इसरो। इस कैप्सूल नुमा पनडुब्बी के जरिए गहरे समुद्र में जाकर वहां के पर्यावरण पर भी शोध करेगा। यह 10,000 करोड़ रुपए के गहरे समुद्र मिशन का हिस्सा है। वह गहरे समुद्र में जलवायु परिवर्तन पर भी शोध करेंगे। इसमें समुद्री जैव विविधता, हाइड्रोकार्बन और मिनरल्स पर भी शोध प्रस्तावित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसरो ने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। कैप्सूल नुमा पनडुब्बी का निर्माण किया है जो 6000 मीटर गहराई तक समुद्र में जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे अपडेट जानकारी नई जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।